आप दूध अच्छे से गर्म कीजिएगा। अरे भव्या, बाकी की तैयारियां पीछे। अच्छा मुंबई में लखनऊ का जायका मिलेगा। मैंने सारे फेमस कव्वाली गानों की लिस्ट बना ली है, कोई स्पेशल चॉइस हो तो बता दो। सेवैया खाने का मन हो रहा है मुझे। वो बार बार नाम मत लो, मैं बड़ी मुश्किल से डाइट में आया हूँ यार। इतनी बेसब्री से मैंने शाम का इंतजार कभी नहीं किया होगा। चलो आप। फरहान, वो जो हम शिवाय भाईजान के लिए तोहफे लाए हैं वो उन्हें कब देंगे? ईदी, जब सभी लोग देंगे तब। एक मिनट, क्या बोले? ईदी? ईदी क्या होता है? ईदी का मतलब होता है ईद का तोहफा। तो ईद वाले दिन बड़े अपने छोटों को गिफ्ट देते हैं, तो उन्हें गिफ्ट्स को हम ईदी बोलते हैं। तो परफेक्ट, मतलब सब लोग मुझे गिफ्ट देंगे और मुझे किसी को गिफ्ट नहीं देना पड़ेगा, तुम भी मुझे गिफ्ट दोगी। एक्सक्यूज मी, ईद पे हस्बैंड्स भी तो वाइफ्स को गिफ्ट देते हैं, है ना? और गिफ्ट्स मांगते हो, शर्माते भी नहीं। अरे वाह, तो शर्म कैसी? आइडिया तो एकदम ही खिड़की दूर। मैं तो शिवाय से अपनी ईदी मांगने वाली, मैंने सोच लिया। ओंकार जी, हमें भी ईदी चाहिए। ऑफ कोर्स, हमें भी। हमें भी? ये तो चीटिंग हुई ना। वाइफ्स को भी हस्बैंड्स को गिफ्ट देना चाहिए जब वो कमाती है। तेरा सही है ना, गिफ्ट लेने वक्त शेर और देने वक्त ढेर। वैसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमें क्या ईदी दे रहे हैं। थोड़ा सब्र रखिए बेगम, सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा चिटकी, तू बता, तू हमारे बड़े बाल वाले ओम से क्या मांगने वाली है? क्या चाहिए? हम इनसे कुछ नहीं मांगेंगे, ये खुशी खुशी हमें जो भी देंगे हमारे भी वही होगी। अच्छा भव्या, तू अपने रूडी से क्या मांगने वाली बता जरा। हेलो, आपका बजट कितना है? हम उसी हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। शिवाय, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे क्या ईदी देंगे? सरप्राइज देंगे या मैं खुद आपसे मांगूं? ईद की सारी अरेंजमेंट्स हो गई। हाँ बड़े भैया, वो लखनऊ से वो रसोईया कॉल शेफ, वही तो शेफ, उसने सब बना दिया। ओके सॉरी, आई हैव टू गो। हां, आई विल सी यू गाइस। तू कहां चला अभी? मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग। मीटिंग ईद के दिन? भाईजान, ईद का मजा तभी आता है जब पूरा परिवार साथ में होता है। या, मैं आने की कोशिश करता हूँ फटाफट। एक मिनट शिवाय, फिजा सही तो कह रही है, साल भर आप मीटिंग करते रहते हैं, एक दिन नहीं करेंगे तो कौन सा भूकंप आ जाएगा? अनिका, अर्जेंट मीटिंग है। कोई अर्जेंट वर्जेंट नहीं है, आप फोन पे कर लीजिए या वीडियो कॉल पे कर लीजिए। जस्ट स्टॉप इट। क्या हो गया? सब ठीक है? काम है। इन्हें क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों लग रहे थे? पता नहीं। भाभी, आपका और बड़े भैया का कोई झगड़ा हुआ क्या? नहीं, तो फिर आपसे ऐसे नाराज क्यों थे वो? पता नहीं क्यों नाराज थे। थे लेकिन। आपने भैया की हाइट पे कमेंट किया था? नहीं, वो तो मैंने काफी वक्त से नहीं किया। कल रात तक तो मूड ठीक था शिवाय का। हाँ वही तो, कल चांद रात थी, सब कुछ सही था, हम खुश थे, फिर पता नहीं क्यों ऐसे सड़ू सिंह उबरा बन के घूम रहे हैं। शिवाय प्लीज मेरा फोन उठाइए, पता नहीं कौन सा स्टेशन पकड़ा हुआ जो मेरे नेटवर्क से बाहर हो पड़े। प्लीज मुझे जाके देखना पड़ेगा। कब से मैं आपको फोन कर रही हूँ, कहाँ थे आप? मैं कह रही हूँ, मैंने आपको कितना फोन ट्राई किया, आप फोन नहीं उठा रहे थे। ऐसे कोई बात है क्या? आप किसी बात से मुझसे नाराज हैं? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि आप मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। तो तुम ये कहना चाहती हो कि अब मुझे तुमसे बात करने की तमीज नहीं है, ठीक से बात नहीं कर सकता, राइट? अरे मैंने ऐसा कब कहा, आप तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे। मैं एक सेकंड, मैं बतंगड़ बना रहा हूँ? अब एक और इशू हो गया तुम्हें मुझसे, बतंगड़, एक और प्रॉब्लम। किसने कहा कि मुझे आपसे इश्यूज हैं? किसने कहा? जितना रोज मैं आपको जानने लगी हूँ ना, उतना गहरा प्यार होता जा रहा है मुझे आपसे।
एक ही सिंगल पीस है पूरी दुनिया में मेरे अंदर, बस पकड़। कोई शक है क्या आपको? पहले नहीं था, ये मिलने के बाद हो गया। हैंडराइटिंग पहचान थी? ये तो मेरी बुराइयां हैं। कहां मिला आपको ये? एक मिनट, कुछ ढूंढ रहा था मैं, तुम्हारी पुरानी डायरी में से एक पेपर गिरा और मुझे ये मिल गया। वही ना, पुरानी डायरी, पुरानी बात है, पहले की, जब मुझे आपसे प्यार भी नहीं हुआ था, मतलब मैं बस नई नई आई थी आपकी जिंदगी में, तब आप ऐसे सड़ू सिंह ओबरॉय बन के घूमते थे ना, तो मैंने, तो तुमने लिस्ट में ये सब लिख दिया। क्या सब लिख दिया? लिखा है ना तो बोल भी दो। Say it, come on. I can't believe it, Anika. तो मेरे बारे में ये सब सोचते हो? शिवाय सिंह ओबरॉय खड़ूस है, अकड़ू है, तड़ीबाज है, मनी माइंडेड है, बदतमीज है, नाम खून खानदान का भूत सवार रहता है, बुरा नहीं बहुत बुरा गाते हैं, कद की बात करो तो चिढ़ जाते हैं, बालों को हाथ नहीं लगाने देते और फोन तोड़ते रहते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, वहां राइट में देखिए पॉजिटिव भी है। हाँ, दो है, एक परिवार से बहुत प्यार करते हैं और दूसरा आंखें कंजी। हाँ तो बस फिर ये कंजी आंखों वाला जो पॉइंट है वो 1000 पॉइंट के बराबर है, है ना? जो लाखों में एक किसी की कंजी आंखें होती हैं, आंखें दिखाई कितनी प्यारी बिल्ली आंखें। ये बटलिंग करना बंद कर दो, ओके? मुझे नहीं चाहिए, मैं जानता हूँ तुम्हारी मेरे बारे में राय क्या है, समझ गया हूँ मैं। आप ना फालतू में गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं शिवाय, मैं आपको कह रही हूँ मैंने लिस्ट तब बनाई थी जब मुझे आपसे प्यार भी नहीं हुआ था, और वैसे भी मैं ये बातें तो आपको ऐसे दिन आए बोलती रहती हूँ ना। बोलती रहती हो, लिखती रहती हो, लेकिन ये लिस्ट उसे भी संभाल के रखती हूँ, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है? नहीं बताओ, नहीं खुद ही बोल दो ना, या वो भी लिख के बताओ कि मुझे मिलेगी कोई पुरानी डायरी से। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तुम अभी भी मेरे बारे में यही सोचते हो। अब मैं बोल लूं? थक गए आप? बिल्कुल नहीं थका मैं, लिख लेना एक और बुराई, बहुत बोलते हैं। संभाल के नहीं रखी, देखिए संभाल के नहीं रखी, मैं इसे फेंकना भूल गई थी, फेंकना। मैं फाड़ो मत उसे, तुम फेंकना भूल गई थी, फेंकना भूल गई थी। मैंने सोचा था ये वाली जो ईद है ना हमारे लिए बहुत स्पेशल होगी, इस ईद पर तुमने मुझे इतनी स्पेशल ईद दी है, कभी नहीं भूल पाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, ओके? इतनी कौन सी बात शिवाय, आप बहुत शिवाय, मेरी बात इतनी सी लिस्ट को लेके ये तो दिल पे लेके बैठ गए, कुछ करना पड़ेगा, आना पड़ेगा पाकड़ पिल्ले को।